हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। आप सभी जानते हैं कल से सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी के एडमिशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने सोल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। तो इस पर जाने के बाद आपको साइड में कंटिन्यू टू वेबसाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सरफेस ओपन होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यह पेज ओपन होगा। तो इसमें हमें अपना सोल, रोल नंबर एंड बारकोड फिल करना है। मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं अपना सोल रोल नंबर फिल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना सोल रोल नंबर फिल कर दिया। अब मैं बारकोड फिल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना बारकोड फिल कर दिया, सोल रोल नंबर भी मैं फिल कर चुकी हूँ। देन उसके बाद अब मैं लॉगिन करती हूँ। तो आपको भी लॉगिन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे भाई का डैशबोर्ड है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो जब हम लास्ट में जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई देता है जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर थर्ड अंडर ग्रेजुएट 2020-21 क्लिक हेयर। तो इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सरफेस ओपन होगा। तो बहुत सारे बच्चों की इस तरह से प्रॉब्लम आएगी जहां पर लिखा हुआ है नोट दिस रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रमोटेड स्टूडेंट सेमेस्टर सेकंड। तो आप इसको देखकर बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अपना रोल नंबर फिल करने के बाद आप अगेन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अगेन अपना सोल रोल नंबर फिल करके। तो आप देख सकते हैं देन बारकोड यहाँ पर खुद ही आ चुका है। तो सबमिट पर जैसे ही हमने क्लिक किया अगेन हमारा नहीं हो पाया है। तो मैं एक बार फिर से बारकोड यहाँ फिल करती हूँ जिससे जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बहुत सारे बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, तो एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस हमारे सामने ओपन होगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जो एडमिशन फॉर्म हम फिल करेंगे उससे पहले हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो आपको ये सब पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें फ़ीस के बारे में भी दिया गया है कि फ़ीस कितनी होगी। देन अदर जो हमारी सब्जेक्ट डिटेल है वो जो भी हमें इंफॉर्मेटिव डिटेल है वो सभी यहाँ पर दी गई है। तो आप पढ़ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से जिससे आपका फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती ना हो। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं क्लिक हेयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एग्जामिनेशन एंड सेकेंड लॉग आउट। हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। तो एग्जामिनेशन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल है जिसमें कोई भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हमारा रोल नंबर, नेम, जो हम कोर्स कर रहे हैं, यहाँ बीकॉम हॉनर्स का यहाँ कोर्स चूज़ किया गया है एंड सेमेस्टर सेकेंड के जो आपने दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर वो भी यहाँ दिया गया है। आपका फ़ोन नंबर तक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ सिर्फ अपने सब्जेक्ट डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज आपको कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल नहीं करनी। तो बीकॉम हॉनर्स में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 हमें सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहला पेपर 1 है कोर कोर्सेज, जो भी आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में कोर कोर्स पढ़ा होगा तो वही आपको चूज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ही आपको चूज करना है।
उसके बाद अगर हम पेपर टू की बात करें तो उसमें भी हमें एक ही ऑप्शन दिया गया है जिसे हमें चूज करना है। पेपर थ्री में भी सेम यही प्रोसेस है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो दिया गया है वही हमें चूज करना है, वही पढ़ना पड़ेगा। अब अगर पेपर फोर की बात करें SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, तो इसमें हमारे सामने ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, मीन्स जो हमारे फोर सब्जेक्ट हो गए विदाउट ऑप्शन के हैं, इसमें जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, जो पढ़ा था हमने, वही अब भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें पेपर फाइव के जेनरिक इलेक्टिव, तो इसमें लिखा है एनी वन पेपर विच हैज़ बीन नॉट ऑप्टेड अर्लियर सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं। तो इसमें से हमें ये थ्री ऑप्शन है BCom Honors में, अगर हम BA प्रोग्राम की बात करें या कोई अदर कोर्स है तो उसमें हमें ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें वो सब्जेक्ट चूज करना है जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमने नहीं पढ़ा था। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप वो सब्जेक्ट चूज करें जो आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें बता दिया गया है, पहले ही हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है एनी वन पेपर विच हैज़ नॉट बीन ऑप्टेड अर्लियर इन सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हैं उससे अदर जो सब्जेक्ट है उसे आपको चूज करना है। तो अब नीचे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ हेडलाइन दी गई है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। परिणाम सुधारने के नियम, ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात केवल उन्हीं पेपरों विषयों को करें जिनका परिणाम आप सुधारना चाहते हैं। आपका रिजल्ट आ चुका है असाइनमेंट बेस्ड इवेलुएशन का, तो उसमें अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ER आया है फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, ओनली फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका किसी भी सब्जेक्ट में ER आया है तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू यू कम है, कि आपने मेहनत ज़्यादा की थी, मार्क्स आपको कम दिए गए हैं, तो उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपने मार्क्स को सुधारने के लिए भी आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं एंड आप अपना एग्ज़ाम उसका दोबारा से दे सकते हैं थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ में ही। तो आई होप कि आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई हो, बस इतना ही था। अब इसके बाद हमें फ़ीस पेमेंट करनी होगी, तो फीस पेमेंट आपको पता ही है कितनी होगी, नहीं पता आपको तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि फीस पेमेंट कितनी करनी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब जैसे ही हमने, आप देख सकते हैं ये हमारा सारा प्रोसेस फिल हो चुका है, देन आप सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए करके बताती हूँ, अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं किया है इसलिए ये सेव नहीं होगा, बट जब आप अपने सब्जेक्ट फिल कर लेंगे तो आप सेव करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं जहाँ पर आपका फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन होगा, तो आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं ईजिली। अब फ़ीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो जब आप फ़ीस सबमिट करेंगे तो उसका 48 आवर्स बाद आपकी फ़ीस में सबमिट होगी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा कि अभी तक हमारी फ़ीस सबमिट नहीं हुई। अगर आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हो पाती है तो वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दी जाएगी, तो पैनिक बिल्कुल भी ना हो, माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके अपना फॉर्म फिल करें, फ़ीस को माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके सबमिट करें बिना किसी चिंता किए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी हो, आपको पता चल गया हो कि आपका सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, किस तरह से फिल करना है। सो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन बच्चों को एडमिशन फॉर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें जिससे वो कोई भी गलती करने से बच सकें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।